हेलो डियर स्टूडेंट, केएल पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, डेवलप ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन सब्जेक्ट में यूनिट फर्स्ट जो कि रनिंग कंडीशन में है, इस चैप्टर में आज की जो टॉपिक है डाल्विक वर्चुअल मशीन और एपीके फाइल एक्सटेंशन। तो आज के टॉपिक में हम आपको दो वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एक वीडियो होगा डाल्विक वर्चुअल मशीन का और दूसरा जो वीडियो होगा एपीके फाइल एक्सटेंशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या है आज हम पढ़ेंगे कि डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एपीके फाइल एक्सटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाल्विक वर्चुअल मशीन के बारे में कि डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या होता है आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, ठीक है। तो डाल्विक इज़ एन ओपन सोर्स रजिस्टर बेस्ड वर्चुअल मशीन दैट इज़ पार्ट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो कह रहा है कि डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या है। डाल्विक वर्चुअल मशीन एक ओपन सोर्स रजिस्टर बेस्ड वर्चुअल मशीन है। अगर जैसा कि अगर हम बात करें जावा की, तो जावा में हम जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन। वैसे ही यहाँ पे हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं क्या, डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या है, जो कि एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। डाल्विक इज एन ओपन सोर्स रजिस्टर बेस्ड वर्चुअल मशीन दैट इज पार्ट ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपका जो यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने में हम क्या यूज करते हैं, डाल्विक वर्चुअल मशीन, जो क्या होता है आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, द डाल्विक वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट फाइल इन द डाल्विक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट एंड रिलाइज ऑन द लिनक्स कर्नल फॉर एडिशनल फंक्शनलिटीज लाइक थ्रेडिंग एंड लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट। तो कह रहा है कि आपका जो डाल्विक वर्चुअल मशीन है क्या करता है कि जो भी हमारी फाइल होती हैं उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है और उन्हें डाल्विक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, .dex, ठीक है, क्या करता है डाल्विक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं .dex। और क्या करता है, और इसके अतिरिक्त क्या होता है, थ्रेडिंग और लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट जैसी अतिरिक्त कार्यक्षमता के लिए ये क्या होता है, लिनक्स कर्नल पर निर्भर करता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर बात करें आपका JVM की, तो एज़ वी नो द मॉडर्न JVM इज हाई परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड एक्सलेंट मेमोरी मैनेजमेंट, बट इट नीड टू बी ऑप्टिमाइज फॉर लो पावर्ड हैंड हेल्ड डिवाइस एज वेल। कि अगर कह रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा JVM है यानी कि जावा वर्चुअल मशीन है, इसके द्वारा हाई परफॉर्मेंस और एक्सलेंट मेमोरी मैनेजमेंट JVM द्वारा हमें प्रोवाइड होती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी मोबाइल डिवाइस होती है ज़्यादातर लो पावर्ड होती है, ठीक है, ज़्यादातर लो पावर्ड होती है और हैंड हेल्ड होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइस के लिए यहाँ पे हम जावा वर्चुअल मशीन को यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें हम जावा वर्चुअल मशीन का यूज नहीं करते हैं। हालाँकि आपका जो एंड्रॉयड ऐप्स होता है वो क्या होता है, जावा में ही लिखे आते हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले क्या होता है, उन्हें डाल्विक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, ताकि उन्हें डाल्विक वर्चुअल मशीन पर चलाया जा सके या उन्हें रन कराया जा सके, ठीक है। तो वही बता रहा है कि ज़्यादातर हैंडहेल्ड डिवाइस जो होती है, मोबाइल डिवाइस होती है, लो पावर्ड होती है, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, JVM वहाँ पर एक तरीके से यूज़फुल नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम DVM यूज करते हैं, यानी कि डाल्विक वर्चुअल मशीन यूज करते हैं।
आपका ठीक है, आपका जो DVM है, DVM क्या है, डाल्विक वर्चुअल मशीन इज एन एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल डिवाइस, इट ऑप्टिमाइज द वर्चुअल मशीन फॉर मेमोरी, बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस। तो आपका कह रहा है कि आपका DVM क्या है, DVM क्या है, एक वर्चुअल मशीन है जो कि एक जो कि हम मोबाइल डिवाइस के लिए यूज करते हैं, और आपकी ये जो वर्चुअल मशीन है कब यूज किया जाता है, जब हमें कम मेमोरी यानी कि एक तरीके से कम मेमोरी हमें मिल रही है और एक तरीके से कम बैटरी लाइफ और जहां हमें परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना होता है तो वहां पे हम डाल्विक वर्चुअल मशीन यूज करते हैं। कह रहा है कि इट ऑप्टिमाइज द वर्चुअल फॉर मेमोरी, बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस। तो कह रहा है कि वर्चुअल मशीन हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें कम मेमोरी हमारे पास है, ठीक है, या बैटरी लाइफ क्या है, जनरली हमारे जो स्मार्टफोन होते हैं, मोबाइल होती है, उसकी बैटरी कमी होती है या बैटरी लाइफ कमी होती है, तो वहाँ पे हम और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, DVM को यूज़ करते हैं, डाल्विक वर्चुअल मशीन को हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर बात करें आगे तो अगला जो इसमें मैंने बताया कि इट वॉज डिज़ाइन एंड रिटन बाय द डॉन बॉर्नस्टीन विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर गूगल इंजीनियर एज पार्ट ऑफ द एंड्रॉयड मोबाइल फोन। तो कह रहा है कि इसको डिज़ाइन और रिटन यानी कि इसको जो रिटन किया गया था डैन बॉर्नस्टीन और कंट्रीब्यूशन ऑफ गूगल इंजीनियर यानी कि गूगल इंजीनियर और डैन बॉर्नस्टीन के द्वारा और उनके जो कंट्रीब्यूशन गूगल इंजीनियर थे, इन सभी लोगों ने मिल के क्या किया था, DVM को क्या किया था, रिटन किया था, डिज़ाइन किया हुआ था, ठीक है, जो कि क्या था, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का एक तरीके से पार्ट है, ठीक है। आपका जो डाल्विक है ये क्या है, एक आइसलैंड के एक टाउन से नाम लिया गया था, जो नाम लिया गया था आइसलैंड के एक टाउन से इसका नाम लिया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें आगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो जावा होता है, जैसा कि जानते हैं कि जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम किसी भी प्रोग्राम को जो कंपाइल कराते हैं तो उसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है, जावा कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जावा कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक इसी तरह जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो किसी भी प्रोग्राम को हमें कंपाइल करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, कंपाइलर। तो यहाँ पे हमें डेक्स कंपाइलर यूज होता है। जावा में किसी भी एप्लीकेशन को जब डेवलप करते हैं तो उसमें प्रोग्राम को जो हम कंपाइल करते हैं तो वहाँ पे हमें जावा कंपाइलर की ज़रूरत होती है। तो इसमें जावा कंपाइलर करता क्या है या डेक्स कंपाइलर करता क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए, द जावा कंपाइलर कन्वर्ट द जावा सोर्स कोड इंटू जावा बाइट कोड, देन डेक्स कंपाइलर कन्वर्ट दिस फाइल इंटू द डाल्विक बाइट कोड, एग्जाम्पल डेक्स फाइल। कह रहा है कि जो जावा कंपाइलर होता है, जो क्या करता है, जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जावा के सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जिसे हम डॉट क्लास फाइल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉट क्लास फाइल। फिर आपका जो डेक्स कंपाइलर होता है, इस क्लास फाइल को, जो डॉट क्लास फाइल है, इसको डाल्विक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जिसे हम डेक्स फाइल भी बोलते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे दिखाया है कि आपका जो जावा यानी कि जावा जो सोर्स कोड होता है, जावा फाइल का जो सोर्स कोड होता है, इसमें जो जावा कंपाइलर होता है वो क्या करता है, उसको डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आपका जो डेक्स कंपाइलर होता है, इस क्लास फाइल को क्या करता है, डॉट डेक्स फाइल में कन्वर्ट करता है। फिर उसकी पैकेजिंग की जाती है, देन आफ्टर उसकी APK फाइल को तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए जनरली क्या होता है कि एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में जो वर्चुअल मशीन होती है उसमें एक JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, और दूसरा क्या है आपका DVM है, डाल्विक वर्चुअल मशीन।
तो JVM क्या करता है, JVM को क्या करता है, जावा सोर्स कोड को क्या करता है, जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। देन आफ्टर आपका जो जावा सोर्स कोड को कन्वर्ट करने के बाद जावा बाइट कोड में होता है, तो क्या करता है, आपका जो DBM होता है उस जावा बाइट कोड को क्या करता है, डाल्विक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या होती है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, चीज़ें समझें। अगर आपको कहीं टॉपिक समझने में असुविधा होती है तो आप मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको इस टॉपिक का PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप नोट्स आसानी से बना सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।